हेलो दोस्तों, होली का त्यौहार आने वाला है जिसे रंगों का त्यौहार कहा जाता है और होली के अंदर आपकी स्किन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो होली खेलने के पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोकोनट ऑयल जो है वो आपकी स्किन पे लगाना है, एक्सेप्ट फॉर फेस। फेस को छोड़ के आपको बालों पे, स्कैल्प पे भी कोकोनट ऑयल बहुत सारा लगाना है, अपने हाथों पे लगाना है और गर्दन पे भी आपको लगाना है। तो आपको कोकोनट ऑयल जो है पूरी तरीके से अपने स्किन के ऊपर लगाना है, एक्सेप्ट फेस के ऊपर। फेस पे अगर आप लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑयली स्किन हो जाने की वजह से एक्ने ब्रेकआउट आ सकते हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप चेहरे पे ना लगाएं, चेहरे पे आप अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। मॉइस्चराइज़र आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने ऑयल लगाया होगा तो आपका जो भी रंग है, जो भी कलर है, जो भी गुलाल आपके ऊपर लगाया जाएगा वो ऊपर ऊपर ही रहेगा, यानी कि आपके स्किन के अंदर तक वो नहीं जाएगा और स्किन को एलर्जी नहीं कर पाएगा। आपको ये ऑयल लगाने के बाद ऊपर सनस्क्रीन भी लगाना है और सनस्क्रीन जो है वो मिनिमम SPF 50 का लगाना है, ताकि आप जो धूप में होली खेलोगे, धूप के अंदर आप मस्ती करोगे होली के अंदर, तो उसके अंदर सन डैमेज जो है वो भी होने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। दूसरा आपको ये करना है कि अपने जो बाल है वो बाल आपको फोल्ड करके बांध के रखना है। खुले बाल में आपको होली नहीं खेलना है। इसका रीज़न ये है कि अगर खुले बाल होंगे तो बाल में कहां पर कलर जाएगा और किस तरीके से डैमेज करेगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप उसको ठीक से बांध के रखोगे एक जगह पे, अगर आपके बाल रहेंगे तो आपको आपके बाल जो है कलर से, पानी से संभालने में आसानी रहेगी। मुझे कुछ मेरे व्यूवर्स ने ये भी सजेशन दिया कि आप केप भी पहन सकते हो, जो मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया लगा। तीसरा जो है कि आप नहीं चाहोगे कि आपके नाखून जो है बड़े हो और होली के मस्ती करने के बीच आपके नाखून से किसी को नुकसान पहुंचे, किसी को चोट लगे, तो आपके जो नेल्स है, नाखून है, उसको बिल्कुल छोटे से ट्रिम कर लो ताकि किसी और को आपके नाखून से चोट ना लगे। अपने होठों के लिए आपको लिप बाम यूज़ करना है। लिप बाम यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप धूप में अगर होली खेलते हो तो लिप्स काले पड़ने का चांसेस है, तो आप इससे भी बच जाओगे और इवन कलर जो है वो भी आपके लिप्स पे लग सकते हैं कभी मस्ती में, तो आप उससे भी बच जाओगे, इरिटेशन से बच जाओगे। अगर मॉइस्चराइज़र ऊपर लगाया होगा, लिप बाम लगाया होगा, तो आपका कलर जो है वो डायरेक्ट स्किन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, तो आप बहुत सारी एलर्जी से बच जाओगे। अगर आपको आई लेंसेज पहनने की आदत है, आई लेंसेज पहनते हो, तो होली खेलने के टाइम पे आप बिल्कुल भी आई लेंसेज ना पहने। डायरेक्ट पानी का स्प्लैश लग सकता है, डायरेक्ट पानी आ सकता है आपकी आँखों पर, तो ख़राब पानी आने की वजह से या कलर वाला पानी आने की वजह से लेंस जो है वो आपकी आँखों को नुकसान पहुँचा सकती है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पूरा दिन जो है होली का जो भी रंग आपके स्किन पे, आपके चेहरे पे लगा है और गुलाल जो आपके चेहरे पे लगा है, उसको बार बार आपको धोते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह से आपने स्टार्ट किया, डायरेक्ट शाम को ही आपको टाइम मिलेगा आप नहाने का और सारे कलर वलर साफ़ करने का, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इतने टाइम के अंदर वो कलर जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको कर सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है और इवन आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो आप बार बार जो है कलर को धोना याद रखिएगा होली के दिन, आप पूरा दिन ये चीज़ को फॉलो करना। होली खेल लेने के बाद आपको क्या करना है आपकी स्किन के लिए, अगेन आपको कोकोनट ऑयल जो है अपने बॉडी के ऊपर लगाना है, हाथों पे, पैर पे, जहाँ कहीं पे भी रंग लगा है, बालों पे, स्कैल्प पे, अपनी गर्दन पे, हर जगह पे आपको ऑयल जो है वो ठीक से लगाना है। 4 से 5 मिनट आपको ऑयल जो है अपनी स्किन पे रहने देना है। अब ये 4 से 5 मिनट का ऑयल लगाने के बाद अब आपको यूज़ करना है फोमिंग बॉडी वॉश। फोमिंग बॉडी वॉश से आप अपने पूरे बॉडी को साफ़ कीजिए, जो भी ऑयल आपने लगाया है उसको साफ़ कर लीजिए। आपको यहाँ पे स्क्रब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ज़्यादातर देखा है लोग स्क्रब यूज़ करने लग जाते हैं और जो भी डैमेज हुआ है उसको और ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, तो स्क्रब आपको यूज़ नहीं करना है। माइल्ड बॉडी वॉश आपको यूज़ करना है जिसमें फोम ज़्यादा होता हो और फोम की वजह से आपका जो भी कलर वगैरह है, जो भी डैमेज है, वो सब कुछ आपकी स्किन का जो है वो रिकवर हो जाएगा और आप जो है अपनी स्किन का टेक केयर कर पाओगे। बालों के लिए माइल्ड शैम्पू, माइल्ड कंडीशनर आपको यूज़ करना है। आपने भले ही होली के एक दिन पहले भी शैम्पू किया हो, लेकिन अगर आपने होली के दिन भी शैम्पू किया हो तो भी आपको इवनिंग में आपको शैम्पू और कंडीशनर दोनों करना है। देखिए दोस्तों, ये सारे टेक केयर करने के बाद भी अगर आपको इरिटेशन, रेडनेस और खुजली जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको घबराना नहीं है। आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी पे, अपनी स्किन पे, या फिर इवन कैलेमाइल लोशन यूज़ कर सकते हो। बहुत स्वाभाविक है, बहुत कॉमन बात है। पूरा दिन आपने होली खेली है, रंग आपके स्किन पे लगे हैं, धूप में आप घूमे हो, तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो आपको घबराना नहीं है। ये दोनों चीज़ आप यूज़ करो, इससे लगभग आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो आपको प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट इसके लिए करके देंगे। दोस्तों, लास्ट स्टेप में आपको बताता हूँ कि आप एक माइल्ड फेस मास्क यूज़ कर सकते हो। आपको मार्केट से कोई फेस मास्क लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें केमिकल्स होते हैं, आपको जो इरिटेशन हो रहा है शायद वो बढ़ सकता है उसके अंदर,
तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये वाला वीडियो मेरा देख लीजिए। इसके अंदर मैंने बहुत ही सिंपल, मैंने टर्मरिक के साथ, हल्दी के साथ कैसे फेस मास्क बनाया जाता है, तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वो वाला फेस मास्क आप यूज़ कीजिए, आपकी इरिटेशन जो है वो कम हो जाएगी, सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, जो सनबर्न हुआ है उससे भी आपको राहत मिलेगी, और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, कोई भी साइड इफेक्ट इससे नहीं होगा। मार्केट से अगर आप कोई फेस मास्क लाओगे शायद वो आपको इरिटेशन कर देगा, तो आप ये वाला फेस मास्क जो है वो यूज़ कीजिए। आई होप कि आपको आज का वीडियो देख के होली में स्किन को कैसे टेक केयर करना है इस चीज़ में ज़रूर हेल्प मिली होगी, और अगर आपको हेल्प हुई है तो आप ये वीडियो जो है अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, टिल नेक्स्ट टाइम स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी।